तो कोरोना वायरस से अजमेर की जनता पूर्ण रूप से लड़ रही है, लॉकडाउन के नियमों की पालना भी कर रही है। जहां पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और सफाईकर्मी अपना योगदान दे रहे हैं, इसी बीच कुछ लोगों ने सरकार की तरफ अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। पंचशील क्षेत्र के रहने वाले श्याम शर्मा, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ कोच हैं, उन्होंने पेंशन के 51,000 रुपये प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। शर्मा ने बताया कि जहां सभी कोरोना योद्धा अपनी अपनी सहभागिता से निभा रहे हैं और देश और दुनिया को बचाने में पूरी तरीके से लगे हैं, उसी के तहत मैं भी इतना तो कर ही सकता हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पे एक मैंने छोटी सी आहुति इसमें दी है। देश की जो इस विपदा से गुजर रहा हमारा देश, उसके लिए और मैं सभी देश और प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसकी हम अनुपालना करें और इस लॉकडाउन का सख्ती से प्रयोग करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और इसी से हम इस कोरोना के युद्ध से जीत पाएंगे। मैंने एक माह की जो मेरी पेंशन है जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण से आती है, वो मैंने इस पीएम के